Yo, what's up guys, Jordan Gamer here, मेरा नाम है माइकल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू एपिसोड ऑफ GTA 5। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, घर पर होंगे, लगातार GTA 5 की गेम प्ले सीरीज देख के एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइस अभी आपको पता होगा कि जैगवार ने भाई अमांडा को काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट किल कर दिया था, तो आज उसकी रिपोर्ट एकदम क्लियर हो चुकी है, बिल्कुल ही बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी है दोस्तों, एकदम बेस्ट हो चुकी है। और यहाँ पर दोस्तों मैं उसे जो है लेने जा रहा हूँ हॉस्पिटल में, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आया हुआ था अपनी लैम्बोर्गिनी को लेकर, थोड़ा मॉडिफिकेशन मैंने करा दी है इस वाली लैम्बोर्गिनी पे, इसको मैंने क्रोम से येलो करा दिया है। और यहाँ पर दोस्तों मैं लेके आ चुका हूँ अपनी अमांडा को। और दोस्तों अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है जिसमें भाई मैंने बताया था एक तरह से माइकल की न्यू वाइफ आ चुकी है, वो जाके देख लो, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर दोस्तों अमांडा बिल्कुल फिट लग रही है, जल्दी से बोलता हूँ बैठ जाओ गाड़ी में। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हो जैसे ही मैं रुका और अमांडा, मेरे को पता लग गया कि भाई ये आया हुआ है माइकल। पर एक बात सही है भाई, अमांडा कभी भी नहीं पूछती कि कार कौन सी है, कहाँ से कार लेके आए हुए हो, ठीक है, बस उसे बैठने से मतलब रहता है। अब गाइस दोस्तों आज का जो मिशन है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। और आप लोगों को एक खुफिया बात मैं बताता हूँ यहाँ पर कि जो भाई जिसने इस जैगवार को मारा था, आप लोगों को पता होगा कि मैंने एक जैगवार खरीदा था, दो रेयर जैगवार खरीदे, एक ब्लैक कलर का और एक ये चीता टाइप कलर का। अब आपको पता होगा कि लॉस्ट गैंग के पास दोस्तों भी जैगवार था एक, ठीक है। तो लॉस्ट गैंग ने क्या किया था, रात को भाई हमारा जो जैगवार था उसे किडनैप कर लिया था और अपना जैगवार छोड़ के चला गया था, इसलिए भाई हम लोग पहचान नहीं पाए और यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा वो मिसबिहेव कर रहा था, ठीक है। तो ये थी भाई असली राज की बात। जब मैंने भाई वो फार्मर को दिखाया कि ये तुमने मेरे को कैसा जैगवार दे दिया है, तो उसने बोला जो मैंने तुम्हें जैगवार पहचाया था ये वो जैगवार नहीं है। इससे मेरे को पूरा शक गया लॉस्ट गैंग के ऊपर। अब दोस्तों जो है लॉस्ट गैंग की ना, अब किडनैपर जो है एक तरह से उसने बताया था मेरे को, लेस्टर ने जो एक एजेंट लॉस्ट गैंग का जो किडनैप करवाया था, जो आप लोगों ने देखा होगा अगर मैंने आप लोगों वीडियो मेरे रोजाना देख रहे हो, तो वहां पर दोस्तों मेरा एक एजेंट था, ठीक है, मतलब लॉस्ट गैंग का एक एजेंट था, उसने भाई जो है लेस्टर ने किडनैप कर लिया है उसे, और उससे जितने भी सच हैं वो सब उगलवा लिए हैं एक तरह से, ठीक है। और दोस्तों अभी वो मेरे पीछे गार्डन में, ये बात अमांडा को ना पता लगे, इसलिए भाई मैं अमांडा का जो है एक तरह से मूड सही करने की कोशिश करूंगा। अब सबसे पहले मैं अंदर जाता हूँ, अंदर जाने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा ड्रिंक करता हूँ, क्योंकि भाई जो है मेरा मूड काफ़ी ज़्यादा ऑफ हो रखा है एक तरह से, क्योंकि भाई मैंने अपना जो जैगवार है वो फार्मर को वापस दे दिया है, क्योंकि वो जो कि वो मेरा जैगवार है ही नहीं, ठीक है, मतलब वो लॉस्ट गैंग का जैगवार है। तो मैंने बोला अमांडा को तुम भी जाके ड्रेस चेंज कर लो, मैं भी जाके ड्रेस चेंज कर लेता हूँ। लेकिन भाई अमांडा कब से मेरे को कार पे बोलती आई कि मेरे को टेनिस खेलना है तुम्हारे साथ फिर से। लेकिन भाई मैंने बोला अभी काम काफी ज्यादा है, लेकिन भाई देखते हैं क्या होता है। अब दोस्तों पीछे गार्डन में लेस्टर खड़ा हुआ है, वो भी छुपके खड़ा हुआ है, क्योंकि अगर अमांडा ने देख लिया उस एजेंट को तो काफ़ी ज़्यादा गलत बात हो जाएगी। तो मैंने अमांडा को बोला तुम लिविंग रूम में बैठो टेनिस की ड्रेस पहन के, मैं तुमसे आके मिल लेता हूँ, ठीक है। तो जल्दी से मैं जाता हूँ अभी नीचे की तरफ में, आप लोग देख सकते हो माइकल बिल्कुल रेडी हो चुका है, वो अभी नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। आज भाई हम लॉस्ट गैंग से काफ़ी ज़्यादा मिलने वाले हैं, उसका पूरा बेस देखने वाले हैं कहाँ पर क्या कुछ है। तो ये रही भाई अमांडा, जल्दी से जाके मैं इससे बात कर लेता हूँ। What's up? All good? Not perfect, but we're trying. Hey, Amanda. Hey, Michael. All good with you? I think so. I feel we're making progress. तो यहाँ बोलती है इसको फील काफ़ी अच्छा हो रहा है, और ये अभी जो अपनी प्रोग्रेस दिखा रही है, बाकी ड्रेस पहन के रेडी हो चुकी है, अभी थोड़ा सा दर्द वगैरह भी है। तो आप लोग देख सो पीछे की तरफ में, यहाँ पर झाड़ी को पीछे दोस्तों जो है लेस्टर छुपा हुआ है, और लेस्टर के साथ साथ दोस्तों वाला बंदा भी जो कि एजेंट था हमारा, तो एजेंट दोस्तों लॉस्ट गैंग का, जितनी भी एयरपोर्ट की टिकट है सारी जितनी भी प्लानिंग है यही सब करता था। जैसे मान लो इसको भाई मैंने एक पंच दे दिया, चुपचाप बोला भाई मेरे को फॉलो करे, ठीक है। तो जल्दी से भाई मैंने इसको बोल दिया चुपचाप मेरे को फॉलो करे, और यहाँ पर जल्दी से भाई मैं इसको लेके जाने वाला हूँ। अब दोस्तों लेस्टर ने जो इससे पता लगवाया, लेस्टर ने मेरे को से खुफिया करके फोन करके बता दिया एक तरह से, तुम्हें जो है इसे वहीं पर मार देना है। अब मारना क्यों है मैं आप लोगों को बता देता हूं, पूरी जो कहानी है वो सब कुछ मैं आप लोगों को जो एक्सप्लेन कर देता हूं। उससे पहले दोस्तों हम लोगों को ना बीच में एक लॉस्ट गैंग का एरिया पड़ता है, उसमें हमको लोग जो लॉस्ट गैंग को जो है बंदे मार देने हैं, लेकिन हमारे पास एजेंट बैठा हुआ है तो कोई भी हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा, अगर जिसने हमला किया तो वो भाई मौत के घाट उतर जाएगा, ऐसा माइकल ने बोला है। अभी आप लोग देखते चलो बस, ठीक है। तो मैं फाइनली दोस्तों उसी लोकेशन पर जा रहा हूँ जहाँ पे दोस्तों लॉस्ट गैंग का लीडर आया हुआ है अभी लॉस सैंटोस में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पर एक तरह से जो मेरी लैम्बोर्गिनी है वो जल्दी से मैं भगा के लेके जा रहा हूँ वहीं पर जहाँ पर दोस्तों लॉस्ट गैंग के बीच में जो बंदे पड़ते हैं। अगर हमने जो अपना एजेंट बैठा रखा, वो देखो सामने की तरफ में आप देख सकते हो लॉस्ट गैंग के मेंबर्स खड़े हैं, तुम्हारी ऐसी तैसी सब में भैया मैं आराम से चढ़ा के जा सकता हूँ, कोई भी किसी को प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। लेकिन भाई अगर यहाँ पर किसी ने गन चलाई तो मेरे को खामखा उतरना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो एजेंट अंदर बैठा हुआ है, तो इन्होंने मेरे ऊपर अटैक करना तो शुरू कर दिया है, लेकिन भाई कोई भी अंदर इतने सारा इनका बेस है एक तरह से, लेकिन भाई इन्होंने अटैक अभी तक मेरे ऊपर नहीं किया है, ठीक है।
हम मैं आप लोगों को दिखाता हूँ दोस्तों, अंदर की तरफ मैं चलता हूँ। यहाँ पर इनका ये छोटा बेस है, ये असली बेस नहीं है। असली बेस तो भाई मैं अभी लेके जाऊँगा आप लोगों को, क्योंकि भाई हमको जो लोकेशन दी है एक तरह से वहीं पर हम लोगों को जाना है, ठीक है। लेकिन भाई आप लोग देखो, ये आर्मर्ड है उनका भाई, एक तरह से पूरा जो टैंक है, टैंक क्या बोलूँ भाई, जिनकी वैन होती है ना, ये पूरी पूरी आर्मर्ड है। आप लोग देख सकते हो, 3-4 मैंने इसमें गोले मारे, कोई भी इसमें जो है असर नहीं पड़ रहा है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 4-5 मैंने जो इसमें गोले मार दिए, फिर भी जो यहाँ पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। भाई साहब कितने ज़्यादा खतरनाक वैन है। तो जल्दी से भाई यहाँ पर आप लोग देख, इतना बड़ा बेस है इनका, सब के सब अंदर ही घुसे बैठे हुए हैं छुपके, क्योंकि भाई उन्हें पता है कि अगर एजेंट मारा गया तो गैंग लीडर जो है इनका वो उन्हें कुछ नहीं छोड़ेगा। जल्दी से बोलता हूँ, चुपचाप बैठ जाए मेरे साथ, ठीक है। तो यहाँ पर जल्दी से मैं अभी लेके चलने वाला हूँ। और आप लोगों को पहले ही पता होगा दोस्तों, लॉस्ट गैंग कभी भी शो ऑफ नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब इनको अगर तुम गरीबी में भी छोड़ दोगे ना, तो ये भी वहाँ पर भी सर्वाइव कर लेंगे। ये लोग अमीरी नहीं दिखाते हैं, लेकिन इनके पास इतना अंधा पैसा है कि मैं क्या बताऊं। आप लोगों के पास इतना पैसा नहीं होगा जितना भाई लॉस्ट गैंग के पास है। मतलब लॉस्ट गैंग कभी भी एक तरह से दिखाती नहीं है और ना जताती है कि भाई हम काफी ज्यादा अमीर है, हमारे पास ये, हमारे पास वो है। लेकिन भाई इनकी जो पावर है, और इनके पास जो मनी पावर है, और इनके पास जो मसल पावर है, वो काफी ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। इसलिए भाई इनसे कोई पंगा लेता नहीं। एक तो भाई इतना इनका बड़ा झुंड है कि मैं क्या ही बोलूं यार, एक तरह से बहुत ही बड़ा झुंड है। और सारा का सारा जो है लॉस्ट गैंग का लीडर काम करवाता है इन लोगों से, जितने भी सही सही काम है, जितने भी गलत काम है, जितने भी फिरौती डकैती सब कुछ जो है यही सब करवाता रहता दोस्तों, ठीक है। लेकिन भाई अब मैं आप लोगों को कहानी बता देता हूँ। लॉस्ट गैंग का जो किडनैपर है, उसने मेरे को बताया कि उसके पास एक रोल्स रॉयस है। अब वो जो रोल्स रॉयस ऐसी रोल्स रॉयस है कि भाई एक तरह से अगर तुमने उसे ले लिया तो भाई लॉस्ट गैंग का लीडर जो है डाउन हो जाएगा एक तरह से तुम्हारे पास। मतलब एक तरह से तुमसे विनती मांगने आ जाएगा कि भाई मेरी जो है कार दे दो, और तुमसे जो है पूरा का पूरा जितना भी है जो सरेंडर कर देगा। अब भाई मेरे को कैसे ना कैसे करके वो लॉस्ट गैंग की जो कार है उसको चुराना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन भाई ये मैं चुराऊंगा कैसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये सब मेरे को जो है एजेंट बताने वाला है। एजेंट दोस्तों अब हमारे साथ, ऐसा लग रहा है हमारे साथ मिल चुका है, क्योंकि भाई उसने जो है सारे के सारे राज अगर नहीं खोले तो भाई माइकल उसे जो है मौत के घाट उतार देगा। तो भाई हमें जो है उससे पूरे के पूरे सच बुलवाने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर जल्दी से भाई मैं एक तरह से ऊपर की तरफ मैं आ चुका हूं, और ऊपर की तरफ आने के बाद दोस्तों यहां पे जो है मेरे को अभी लेफ्ट टर्न ले लेना है और यहीं पर छुप जाना है। यहां पर है दोस्तों मेन सीक्रेट बेस लॉस्ट गैंग लीडर का। सामने की तरफ आप लोग देख सकते हो, अच्छा सामने नहीं, मैं आप लोगों को ऊपर चढ़ के दिखाता हूं। यहां पर सीढ़ी है, और इस बंदे को भी बोलता हूं चुपचाप ऊपर आ जा, नहीं आया तो भाई इसको तो मैं मार ही दूंगा एक तरह से। और वैसे भी लेस्टर ने मेरे को खुफिया फोन करके कॉल करके बोल ही दिया है कि तुम्हें भाई उस एजेंट को मार ही देना है, ठीक है, अगर भाई हमें वो कार मिल जाए। सामने की तरफ आप देखो, ये है भाई गैंग बेस। आप देखोगे अपने ऑफिशियल मैप में, यहां पर दोस्तों कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई यहां पर जो घर है वो लॉस्ट गैंग ने खुद बनवाए हैं अच्छी तरीके से। कार का कलेक्शन देख सकते हो कितना ज्यादा खतरनाक है। और भाई आप लोगों को मैं सब कुछ अभी ए टू जेड स्नाइपर राइफल्स अपने दिखा देता हूं, ठीक है। तो गाइज ये है दोस्तों उसकी रोल्स रॉयस, कितनी ज़्यादा खतरनाक है। अब भाई इसमें ऐसा है क्या, एजेंट ने मुझे बताया, एक तो फुल्ली पहले आर्मर्ड है और उसमें कई ज़्यादा उसके सीक्रेट जो है छुपे हुए हैं। बाकी आप लोग देख सकते हो जो इनके जैगवार हैं वो सारे के सारे हमारे जैसे सेम हैं, और कार का कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है भाई लॉस्ट गैंग के लीडर का। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बंदे, अभी आप लोगों को 3-4 बंदे दिख रहे होंगे, लेकिन भाई अंदर पूरा झुंड बैठा रहता है, ठीक है। और भाई पिटबुल के कलेक्शन आप लोग देख सकते हो, पिटबुल और चीता और जैगवार सब कुछ यहाँ पर सामने सामने बैठे हुए हैं। मतलब आप लोग देख सकते हो कितने ज़्यादा खतरनाक आ गए यहाँ पर, कुत्ते और चीता वगैरह रखे हुए, यही वाला चीता उन्होंने भेजा हुआ था। और यहाँ पर दोस्तों स्ट्रिपर के साथ दोस्तों ये रहा लॉस्ट गैंग का लीडर, आप लोग देख सकते हो सामने की तरफ मैं दोस्तों यहाँ पर, और भाई यहाँ पर भी बैठा हुआ है। अब दोस्तों मुझे क्या करना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ क्या भाई। यहाँ पर मेरे लॉस्ट गैंग की लीडर की कार कैसे चुराऊँ, क्योंकि भाई इनको पता है कि मेरे पास किडनैपर है, ठीक है, मतलब किडनैपर नहीं सॉरी एजेंट है मेरे पास लॉस्ट गैंग लीडर का। और भाई मेरे को नीचे जाना पड़ेगा, सबसे पहले मैं इसको अपनी स्पेशल एबिलिटी से मारता हूँ, 1 2 3 को। तो भाई इसको मैंने मार दिया है, और यहाँ बंदे जो हैं सब कुछ पागलों की तरह मेरे ऊपर आ चुके हैं, ठीक है। अब दोस्तों मैं नीचे की तरफ मैं जाता हूँ, और यहाँ पर दोस्तों लॉस्ट गैंग के मेंबर को क्या, मतलब एक तरह से जो उसका जो लीडर है उसको मैं मारने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये रहा भाई लीडर, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सारे के सारे जितने भी पिटबुल्स हैं वो सब कुछ भाग रहे हैं। मतलब ये लोग गन की आवाज़ सुन के भाग जाते हैं। अगर भाई मैं इनको मारने आऊँ तो भाई कोई भी नहीं काम कर सकता। सारे के सारे दोस्तों आप लोग देख सकते हो पिटबुल और चीता जैगवार सारे के सारे नदी की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन भागोगे कहां, आगे तो नदी है, सबको यहीं रुक जाएंगे। लेकिन भाई मैं इनको नहीं मारूंगा, लेकिन भाई मैं इसको मारूंगा, 1 2 3। ओ भाई मेरा निशाना चूक गया। क्यों भाई चूक गया, क्योंकि भाई मेरे को बगल से जो है गोली मारी जा रही है, और यहां पर मेरे जो कंधे पर गोली लगी है एक तरह से, और यहां पर भाई मेरा जो है निशाना चूक गया है। लेकिन भाई गैंग लीडर जो है भाग चुका है एक तरह से, लॉस्ट गैंग का कितना ज्यादा खतरनाक बंदा है भाई, वो सारे भाग गए। अब मेरे को इनको नहीं छोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले भाई मैं एजेंट को जाकर ठिकाने लगाता हूं और बोल के आता हूं चुपचाप यहां से हिलना मत, अगर तू हिला तो
मेरे को वैसे ही मरना ही मरना है। और यहाँ पर दोस्तों वो बिल्कुल जवान का बहुत ज्यादा पक्का बंदा है माइकल, एक तरह से अगर जो बोलता है वो करके दिखाता ही है, ठीक है। इसके बाद उसने लेस्टर ने उसको बिल्कुल अच्छी तरह रात भर में बता दिया है। तो मैंने बोला चुपचाप यहीं छुपा रहे और तेरी साले ऐसे ज्यादा मत बनना, ठीक है। तीन चार गन मैंने करके इसे डरा दिया है, अब तुम्हारी ऐसे तुम यहाँ पे आके दिखाओ साले, मतलब तुम बंदों को छुड़ाने आओगे, है ना। तो यहाँ पर मैं सारे अभी लॉस्ट गैंग के बंदों को जो है लगातार मारते जा रहा हूँ। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सबके सब बंदों को मैं लगातार यहाँ पे मार रहा हूँ। और भाई आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कि हमसे जो है मेन बंदा, मेन लॉस्ट गैंग का जो लीडर है वो निकल चुका है दोस्तों यहाँ से। और मेरे को काफ़ी ज़्यादा दुख है इस बात का, लेकिन भाई रोल्स रॉयस उसकी यहीं खड़ी है। अब मैं कैसे चुराऊँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि नीचे जो है काफ़ी ज़्यादा बंदे हैं और भाई जैगवार भी काफ़ी ज़्यादा नीचे हैं। लेकिन भाई एक बात अच्छी है कि जैगवार और जितने भी पिटबुल हैं वो सारे के सारे भाग गए हैं उसकी तरफ। अब जो है मैं हल्ला बोल सकता हूँ, 1 2 3 टैन टैन कम ऑन, सब आ जाओ, जितने आना आओ, सबको मैं दोस्तों ऐसी तैसी करके रख दूंगा यहाँ पर। भाई अब जो मेरा खून निकल रहा है ना यहाँ पर, मैं उसका एक एक बदला लेने वाला हूं। अब जो मेरा आर्मर है ऑलमोस्ट फट चुका है दोस्तों। अब आर्मर जब फट चुका है तो एक तरह से भाई जो है मेरे को गोलियां लगना स्टार्ट हो रही हैं और जो मेरी स्पेशल एबिलिटी है वो भी खत्म हो रही है। लेकिन मैंने भाई यहां पे एक कार की आड़ ले ली है और अब दोस्तों जो है मैं यहाँ पर सबको जो है लगातार मारते जा रहा हूँ। आप लोग देख सकते हो कितने ज़्यादा खतरनाक बंदे हैं। और भाई यहाँ पर जो है पानी कहाँ पर, ये दोस्तों देख सकते हो आप लोग बेस बना रखा है इन लोगों ने, जहाँ पे दोस्तों डैम की साइट है उसके पीछे जो इन्होंने बेस बना रखा है। और यहाँ पर घर कैसे आए मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बार आया हूँ, मेरे को यहाँ पर घर नहीं दिख रहे थे, लेकिन भाई यहाँ पर अब घर भी हो गए हैं। और भाई पूरा का पूरा कार कलेक्शन यहाँ पर रखा हुआ है। अब यहाँ पर वो अपनी सीक्रेट डील करने आया होगा या फिर दोस्तों किडनैपर को, यानी कि दोस्तों एजेंट को अपने बचाने आया होगा, पर वो बचा नहीं पाया दोस्तों। तो फाइनली मैं यहाँ पर सबको लगातार मारते जा रहा हूँ अभी। और भाई उसकी कार अगर मिल गई तो जैसे कि भाई एजेंट ने बताया है कि उसकी कार उसको इतनी ज़्यादा प्यारी है रोल्स रॉयस, अगर भाई तुमने रोल्स रॉयस चुरा ली तो लॉस्ट गैंग का लीडर तुम्हें जो है खुद आएगा और सरेंडर करेगा। मतलब एक तरह से अब टाइम आ चुका है यहाँ पर दोस्तों इस कार को फोड़ने का। अगर आप ब्लास्ट देखना चाहते हो तो जल्दी से भाई मैं अंदर की तरफ में जाता हूँ। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अभी पानी का जो है स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ता रहा है। 1 2 3 को भाई सारी की सारी मैंने कार यहाँ पे ब्लास्ट कर दी हैं, माइंस लगा दिए हैं। और देख सकते हो भाई पानी का जो स्तर है वो फिर से बढ़ गया यहाँ पर एक तरह से। और यहाँ पर ये कारें क्या कर रही हैं, सबको मैं ब्लास्ट कर दूंगा। अब एक कार की तो अपने पास कमी नहीं है भाई, मैं मतलब लग्जरी कार चुराता रहता हूँ दोस्तों यहाँ पर एक तरह से। अब यहाँ पर जितना ब्लास्ट हो रहा है उतना दोस्तों जो है पानी यहाँ पर हिल रहा है, लगता है भाई यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा बंदे हैं। अब दोस्तों मुझे ट्राई करना चाहिए रोल्स रॉयस को फोड़ने के लिए, अगर रोल्स रॉयस नहीं फूटी तो भाई काफ़ी ज़्यादा, एक तो लग्जरी की लग्जरी कार है, काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है रोल्स रॉयस, और ऊपर से भाई आर्मर्ड मिली है, कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और भी इसमें काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस हैं जो कि भाई मुझे लेस्टर एक्सप्लेन कर देगा, क्योंकि भाई एजेंट ने सब लेस्टर को जो एक्सप्लेन किया हुआ है। तो भाई यहाँ पर जो है मैंने लॉस्ट रॉयस की अल्टीमेट लॉस्ट गैंग की कार जो है चुरा ली है। अब दोस्तों जो इनमें फंक्शन है वो मुझे पता नहीं है, वो सारे के सारे जो है लेस्टर मुझे बताने वाला है। और भाई मैं चलता हूँ दोस्तों ऊपर की पहाड़ी पर, और ऊपर की पहाड़ी के बाद दोस्तों वहीं से जो है लॉस्ट गैंग के एजेंट को जो है मार दूंगा, क्योंकि भाई उसको लगता है कि मैं उससे लेने आऊँगा अपनी लैम्बोर्गिनी में, ऐसा नहीं हो सकता गाइज। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो इनके भी पिटबुल बिल्कुल हमारी तरह सेम जैसे हैं, तो कभी भी दोस्तों हमको धोखा दे सकते हैं। तो भाई हमेरे को अपना पिटबुल में कुछ ना कुछ पहचान लगानी पड़ेगी और अपने जैगवार में भी कुछ ना कुछ पहचान जो है लगानी पड़ेगी। तो क्या मैं फार्मर से दोबारा वापस लेके आऊँ अपना जगह, जरूर से कमेंट करके मुझे बताना। तो फाइनली दोस्तों हम लोग एकदम पीक पर पहुंच चुके हैं, और जहां पर आप लोग देख सकते हो ये रोल्स रॉयस खड़ी हो चुकी है। और फाइनली आगे की तरफ में कोई मुझे दिख नहीं रहा, लॉस्ट गैंग का लीडर पता नहीं पैदल चलते चलते कहाँ भाग गया है वो। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सारे के सारे बंदे यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा एक तरह से। और यहाँ पर एक स्ट्रिपर खड़ी है, इसे मैं मारता हूँ यहाँ पर। तो गाइज इसको मैं मार दे दूंगा तो पता नहीं मुझे होगा क्या, लेकिन मैंने इसको मार दिया है। और एजेंट दोस्तों यहीं कहीं होगा, आप लोग मैं एजेंट दिखाता हूँ अभी कहाँ पर है दोस्तों। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होगी, स्नाइपर राइफल की मजेदार बात ये होती है। तो भाई एजेंट को मैं यहां छोड़ के आया था, तो ये रहा भाई आप लोग एजेंट देख सकते हो, 1 2 3 को। तो भाई मैंने पहले एक गोली इसको मार दी है, एक में नहीं मारा, दूसरे में नहीं मारा, तीसरे में नहीं मारा भाई साहब, तो मैं चौथे में तो यहां पर चार गोलियां मैंने इसकी जो लगातार मार दी है, और ये भाई डेड हो चुका है यहां पर, ठीक है। अब दोस्तों हमारे पास जो है अपनी लग्जरियस रोल्स रॉयस आ चुकी है, आप लोग देख सकते हो कितनी ज़्यादा सुंदर है। अगर मैं इसे गन से मारूं तो कोई भी निशान तो आ ही जाएगा, लेकिन भाई अगर मैंने इस मिसाइल से फोड़ता हूं तो यहां पर इसे कुछ भी नहीं होता है, और बैठते ही दोस्तों ये कार जो है ठीक हो जाती है। अब दोस्तों कुछ ना कुछ तो इसमें खास बात ऐसी है जिससे भाई लॉस्ट गैंग का लीडर जो है सरेंडर कर देगा, किडनैपर ने मतलब एजेंट ने ऐसा बताया, और एजेंट को भी मैंने किल कर दिया है, इसलिए भाई मैंने एजेंट को किल कर दिया, क्योंकि भाई अब जो है कार लेने वो आता ही होगा हमारे घर पर। और कार अगर लेगा तो भाई मैं मतलब जो हमारा लॉस्ट गैंग का लीडर है उसे मैं फाइनली जो है किल कर सकूंगा, ठीक है। तो फाइनली आप लोग यहां पे देख सकते हो लॉस्ट गैंग की हमारे पास जो है कार आ चुकी है, नीचे लेके चलते हैं। और नीचे लेके चलने के बाद इससे दोस्तों स्टंट वगैरह करते हैं, और मैं आपको इसको पूरा इनर इंटीरियर दिखाता हूँ, इसका बाहर से दिखाता हूँ कैसी है, कैसी क्या दिखेगी, कितनी सुंदर दिख रही है। और भाई कुछ भी इसको जो है नहीं हो रहा है एक तरह से, ठीक है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। अब जल्दी से दोस्तों मैं आप लोगों को इसका पूरा जो है आप लोगों को इंटीरियर दिखा देता हूँ रोड पर।
तो ओके गाइस, फाइनली हम लोग हाईवे पे आ चुके हैं और बाहर से दूर से कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है। अंदर से आप लोग देख सकते हो पूरा का पूरा वुडन टेक्सचर है, और वुडन टेक्सचर के बाद आप लोग देख सकते हो फोर सीटर है जिसमें भाई लेस्टर, ट्रेवर, फ्रैंकलिन और माइकल चारों बैठ सकते हैं कभी भी अगर कोई मिशन करे। पीछे की तरफ में लिखा हुआ है लॉस्ट, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जल्दी से भाई हम लोग एक निकल चुके हैं। राइट पर आप लोग देख सकते हो कितनी ज्यादा खतरनाक है भाई रोल्स रॉयस, ठीक है। तो भाई आप यहाँ पर देख सकते हो, ये देखो भाई साहब, हमने जो है रोल्स रॉयस को कुदा दिया है। वीडियो कैसी लग रही हो? इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। फाइनली हमने स्टील कर लिया है रोल्स रॉयस लॉस्ट गैंग की। चैनल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे टिक कर लो, और अभी तक आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया 23JordanGamer पे, जल्दी जाके फॉलो कर लो। इस वीडियो में इतना दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। क्या हमको लॉस्ट गैंग का लीडर मिल सकेगा? तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में, बने रहे जॉर्डन गेमर के साथ। रोल्स रॉयस मिल चुकी है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल।